चलो अब है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये रूल साइड बाय साइड चलेंगे दोनों मिरर्स के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के साइड बाय साइड। यार मैंने साथ ही रब कर देने हैं। फर्स्ट रूल है, कौन सा मिरर है ये? फर्स्ट रूल इज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वही रूल इसमें हम कैसे बनाएंगे, वही रूल यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे कि एक रे पैरेलल आ रही है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मिरर, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मिरर। ये डायग्राम हम पहले भी फोकस में बना चुके हैं, वही एक रे बना रहे हैं अब, कि वो फोकस में से आती हुई लगेगी, बिकॉज आई टोल्ड यू ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है? तो ऐसे जाएगी, ऐसे लगेगा फोकस में से आ रही है, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड्स, ऐसे लगेगा कि ये रे फोकस में से आ रही है। अभी हम एक रे की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल रियल का कोई वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, हम इमेज फॉर्मेशन के रूल कर रहे हैं अभी, इमेज नहीं बना रहे हम। सेकेंड रूल इसका बिल्कुल रिवर्स है। सेकेंड रूल है, अगर कोई रे फोकस में से होती हुई मिरर को स्ट्राइक करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगी। अगर पैरेलल जा रही थी फोकस में से जाएगी, फोकस में से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। अभी नहीं कर जाके स्केल से बनाना, अभी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और यही रूल यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये जो मुझे आवाजें सुन रही है ना अभी, कोई बात नहीं, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर में मिरर तो यही खत्म हो गया, मिरर तो यही खत्म हो गया, तो आपको लगेगा कि फोकस में से आ रही है, ऐसे बनेगा। तो अब ये यहीं से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इट विल गो पैरेलल। मैंने अभी रब कर देने हैं, जो बातें कर रहे हैं वो बना नहीं पाएंगे। थर्ड रूल है, थर्ड रूल है, चलो अगर कोई रे सी में से होती हुई मिरर पे इंसिडेंट है तो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, इट विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ, बट एरो बनाने पड़ेंगे दोनों। इफ अ रे पासिस थ्रू सी देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, इट विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ, रीट्रेस इट्स पाथ। एंड सेम रूल ऑन कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स के लिए अब ये देखो फोकस में से आती हुई लग रही है, ऐसे लग रहा है कि सी में से आ रही है, सी में से आती लग रही है, तो यहीं से वापस हो जाएगी, मिरर तो यहां तक ही है ना, तो यहीं से वापस चली जाएगी। वही रूल सेम हमने कॉन्वेक्स में ऐसे बनाना, कॉन्वेक्स में डॉटेड बनेगा। सो दीज आर थ्री रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तीन कॉनकेव के हैं, एक दो और तीन, तीन कॉन्वेक्स के हैं, वन टू एंड थ्री। हाँ जी क्या पहले, अभी तो कर लो ना, एक मिनट, लीव वन बेंच सिट देयर, लीव टू बेंचेस सिट देयर, लास्ट में चले जाओ, लास्ट।
कोई एक मिनट नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। बस अब पता चलेगा ना तुम्हें। इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। नाउ अब कंकेव मिरर के 6 केसेस हैं, लोअर क्लासेस में आपने किए हुए हैं, बट अब हम साइड बाय साइड स्टेप वाइज करेंगे इसको। और why 6 केसेस ऑफ कंकेव मिरर, बिकॉज इट कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो 5 केसेस में रियल इमेज बनेगी, लास्ट केस में 1 केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ध्यान से अब देखिए, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रख रहे हैं, धीरे धीरे पास लेके आएंगे। तो आप देखना कि इमेज में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसी बनती है। फर्स्ट केस सबसे दूर हम इंफिनिटी पे रखेंगे, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। नाउ फॉर दीज केसेस आई रिकमेंड कि इसको कंपास से घर जाके बनाना, एंड पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनमें डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, स्केल से मेजर करके लेना, फिर आपके केस बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। हाँ, ये मेजर करके केस रूल्स में जैसे मर्जी बनाओ, यहाँ पे आपको मेजर करना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट है हमारी इंफिनिटी पे, ये वही की दूर से रेज आ रही है, इंफिनिटी से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो फोकस में बनाया था हमने, वही डायग्राम है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सभी रेज फोकस में से जाएंगी, ये आपका डायग्राम है। तो मिनिमम इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज चाहिए, तो हम 2 रेज ही लेंगे, बस 2 रेज बना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये इमेज है ना, यहाँ पे फोकस पे बनी, और इतनी छोटी पॉइंट साइज है ये, आप इसका ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको देखो, अगर आप ऐसे बना दो, ठीक है, रूल्स को फॉलो करके, ये फोकस पे मीट करेंगे, ऐसे भी बना सकते हो। अगर आप पैरेलल बीम ऐसे नहीं लेना चाहते, इस तरह से लेना चाहते हो, तो ऑबे द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उतने एंगल से बेंड कर दो, इसको भी उतने एंगल से बेंड कर दो, जहां पे मीट करेंगे फोकस होगा, बट इमेज बहुत छोटी ही बनेगी। मोर देन 2 रेस जितनी मर्जी बनाओ, यहाँ पे आप ऐसे जितनी मर्जी रेस बनाओ, सब फोकस में से निकलेंगी। ये तो हमने फोकस में डायग्राम बनाया था, जितनी मर्जी बना लो, इधर भी और बना सकते हो। अब आपकी पैरेलल रेज ऐसी आ रही, तो आप उनको रिफ्लेक्ट कर दो, जहां मीट करेंगे फोकस पे मीट करेंगे, इमेज फोकस पे ही बनेगी। आपकी चॉइस है, दोनों में से जो मर्जी बना लो डायग्राम। हाँ, इधर इट इज पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज भी हो सकती है, हाईली डिमिनिश्ड भी हो सकती है। क्या? हाँ, पर है हाईली डिमिनिश्ड, या तो हम यही कहेंगे कि पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, ये फोकस पे ही बन। क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, वो वहां जहां पे भी बनी है वो इन्वर्टेड ही बनी होगी, बनी इन्वर्टेड या रियल ही है, पर हमें दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पे पॉइंट साइज है, डिपेंड करता है। चलिए, अब करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इमेज की, कैसी बनी है। रियल, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड। और कहां पे बनी है? एट फोकस,
where it is formed at focus. Second case, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज ले आते हैं. बियॉन्ड सी नहीं, नाउ द थिंग इज कि आपको काफी दूर बनानी है सी से ऑब्जेक्ट. अगर बिल्कुल पास बना दोगे ठीक नहीं बनेगी. कीप इट फार अवे फ्रॉम सी. अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही है. सपोज दिस इज अ कैंडल, तो ये हमारी चॉइस है हमने कौन सी रेज लेनी है. एनी टू रेज वी वांट, सो ऑलवेज वी विल टेक वन रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इजीएस्ट रे यही है जो फोकस में से निकलेगी. हाँ, यही रूल्स फॉलो करेंगे और हमारी इमेजेस बनती जाएंगी. सो दिस इज सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इंफिनिटी से थोड़ा क्लोज ले आए हम. So now, first ray parallel to principal axis will pass through focus. Second ray अब आपकी choice है C से निकाल देते हैं. बहुत easy रहेगा. Second ray C में से निकल रही है. According to the rule क्या होगा? वापिस आएगी, retrace होगी. वापिस आते हुए पहली ray को जहां cut करेगी, ये देखो, जहां cut करेगी वहां arrow बनाना है आपने. वहां image बन गई. हमेशा वहीं पे arrow बनाओगे जहां cut कर रही है. Then you will get to know कि मैं जरियल है कि inverted है कि erect है. inverted है, उल्टी बनी है, ये देखो. हाँ, आप focus में से लेके parallel ले जाइए, तब भी आप वैसे ही बना. पर ये बहुत easy है, ये सबसे easy है diagram. अब characteristics क्या है? real, real है तो inverted है, diminished और formed between C and F. These are four characteristics of the image formed. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट सी. अब थोड़ा और क्लोज ले आए हम. ऑब्जेक्ट एट सी रखेंगे अब. सी पे रख दो एग्जैक्ट. नाउ अगेन वी टेक वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट विल पास थ्रू फोकस. बनाओ पहले एक रे. It will pass through focus after striking the mirror. ठीक है? Second ray हम focus में से cross करवा देते हैं. Focus में से. फोकस में से तो ये अकॉर्डिंग टू रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. जहां पे मीट करेगी वहां इमेज बनेगी. हाँ, सी पे ही बनेगी. सेम साइज की बनेगी. जब आप मेजरमेंट से बनाओगे ना, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी आपकी. अगर आप इसको कंपास से लेके बनाओगे ना, सेम साइज की बनेगी ये. जाओ, एरो जरूर बनाते जाना साथ साथ, अदरवाइज योर हाफ और वन मार्क विल बी डिडक्टेड. तो आप देखोगे इमेज सी पे ही बनी है, सेम साइज की और रियल एंड इनवर्टेड. सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियल, इनवर्टेड, सेम साइज एंड एट सी. अब आप ये नोटिस करिए कि इमेज पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसके साइज पे. पहले इमेज पॉइंट साइज थी, पिछले केस में डिमिनिश होगी, थोड़ी बड़ी होगी.
इस केस में सेम साइज की होगी, तो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एज वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर देन इट्स साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। फोर्थ केस, फोर्थ केस नाउ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी नाउ, थोड़ा और क्लोज। बिटवीन रख दिया, बिटवीन एफ एंड सी। अगेन वी टेक सिक्स केसेस इन टोटल। अरे पैरेलल फोकस में से निकलेगी और दूसरी दो ऑप्शंस हैं, इधर भी मेक इट पास थ्रू सी और भी पास थ्रू फोकस एंड देन पैरेलल। ठीक है, अगर सी से निकालते हो प्रॉब्लम ये होती है कि सम स्टूडेंट्स दे ड्रॉ लाइक दिस, ये इस तरह से आ रही है, यहाँ पे मीट हो गई और यहाँ पे इमेज बन गई, बट उन्होंने मिरर से तो स्ट्राइक ही नहीं करवाई। ये गलती करते हैं, ये टकरा के वापस आएगी तभी इधर जा रही है ना, तो ये पोर्शन अगर आपने मिस कर दिया, मिरर से तो स्ट्राइक ही नहीं थी, यहीं से ज्वाइन कर दिया था, इसलिए ये रे थोड़ी रिस्की होती है, तो इसलिए आप फोकस में से निकालो। तो मैं तीनों रेज बना रही हूँ, आप जो मर्जी कर लेंगे। आपने दो ही बनानी है, कोई आपने कोई दो ही बनानी है। आप ऐसे करो ना, पहले एक तो आप फोकस में से ले लो, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी है इधर, दूसरी फोकस में से लेके इधर ले लो, ये यहाँ पे मैंने बन दी आपकी, बियॉन्ड सी होगी, बियॉन्ड सी बनेगी आपकी, आपकी इमेज बियॉन्ड सी बननी चाहिए। मैंने तीनों बनाई है, आप दो बनाओ, कोई ड्रॉ एनी टू, एक तो पैरेलल वाली फोकस में से, दूसरी सी में से या तो ले लो या फिर फोकस में से लाके उसको पैरेलल ले जाइए। हाँ देखिए मैग्नीफाइड साइज इंक्रीज होता जा रहा है, मैग्नीफाइड इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एंड फॉर्म बियॉन्ड सी। तो ये केस सेकंड केस का रिवर्स है, थर्ड केस किसका रिवर्स था वो किसी का नहीं है, फर्स्ट केस का रिवर्स हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस नाउ, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं। यस, उल्टी कैसे, दोबारा देख लो, हाँ ये उसका रिवर्स, ये इसका रिवर्स है ना, ये देखो बिटवीन सी एंड एफ एक रे पैरेलल फोकस में से और दूसरी रे फोकस में से, तो ये पैरेलल, ये यहाँ पे बियॉन्ड सी मिल बन गई, बस दो रेज बनाओ। हाँ या फिर ये वाली रे के साथ वो वाली रे बनाओ, कोई दो बनाओ, तीनों मत बनाओ, यू नीड ओनली मिनिमम टू रेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। हाँ सेंटर ऑफ करेचर स्फीयर का सेंटर में, आप फोकस पे रख दीजिए,
अगेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से ही पास करेगी। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि खुद ही फोकस पे पड़ी है, फोकस में से ही फिर भी निकालनी है। स्टैंड अप, ठीक है, फोकस में से ही निकालनी है। हाँ जी, आप सी में से भी ले सकते हो, पोल में से भी ले सकते हो, पैरेलल आएगी। ये देखो पोल में से उतने ही एंगल पे तुम बेंड कर दो, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, तो ये पहली रे के पैरेलल आएगी। ठीक है, हाँ सी पे भी देख लो, वैसे ही आपको पर मिरर से स्ट्राइक करवाना पड़ेगा अगर आप सी से लेते हो। ये सी है, ये ऐसे वापिस आएगी और पैरेली रे के पैरेलल रे। अगर सी में से बनानी है तो ऐसे लो, एनी टू रेज यू कैन ड्रॉ। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ड्रॉ करो। आगे पीरियड नहीं लगा लास्ट वीक। सो बहुत आगे जाके बनेगी, जब भी बनेगी इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, काफी मैग्नीफाइड बनी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि रेज आर पैरल तो बनेगी नहीं, मतलब इसका मतलब कहने का ये कि डिस्टेंट बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी। पैरेलल नहीं है ये, इन्फिनिटी का मतलब बहुत जाके आगे जाके कहीं मिलेंगी, वहां इमेज बन जाएगी। हाँ नहीं, वो जरूरी नहीं, ऑप्शनल। आप या तो ये और ये बनाओ या फिर ये और ये बनाओ। वो इन्होंने पूछी थी तो मैंने बनाई थी, शुड आई रब दिस रे, ये वाली रे रब कर दूं? अगर कंफ्यूजन हो रही ये वाली रे पर रब कर देती, ये मत बनाओ, दो चाहिए बस। ठीक है, लास्ट केस, अब पांच में रियल इमेज थी, लास्ट में वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ई नाउ। हाँ जी, कितनी बनती है? कंकेव कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल। लास्ट केस में वर्चुअल बनाएगा ये, कन्वेक्स में ओनली वर्चुअल ऑलवेज। सी दिस केस, नाउ बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी अगेन वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ये नहीं कि यहां से निकाल देनी, यहां से नहीं, फोकस में से ही निकालोगे, बच्चे यहां से पास कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। फोकस में से निकालनी है, बनाओ पहले वन रे, बनाओ, ड्रॉ फर्स्ट रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, बनाओ। पिछले काम बनाए देखो, सेकेंड रे अब फिर से दो ऑप्शन है, इधर यू पास थ्रू पोल, अब पैरेलल नहीं होगी इसकी, अब ऐसे जाएगा डिस्टेंस, तो इधर कभी में भी बनेगी, सी में से भी कर सकते, ठीक है। तो इतने एंगल के थ्रू बेंड करना है आपने, सी से नहीं हो सकती, सी से भी हो सकती, सी में से भी आप पास कराओगे, ये देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, सी में से भी पास कराओगे तो ऐसे ये बढ़ेगा ही डिस्टेंस, कोई दो बना लो, ये मत बनाओ, तो इधर मीट नहीं करेंगे ये कभी भी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम इनको बैकवर्ड लेके जाएंगे, बैकवर्ड लेके जाएंगे, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी मैग्नीफाइड, यस, हाँ दे विल नेवर मीट,
बिकॉज डिस्टेंस एक्चुअली जो रेज है उनमें बढ़ रहा है, वो कभी मीट नहीं करेंगे. सो वी इमेजिन दैट दे आर प्रोड्यूसिंग इन बैकवर्ड, व्हेन वी प्रोड्यूस देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन दे मीट, दे अपीयर टू मीट. तो इसलिए ये इमेज वर्चुअल है जो हमें लग रही है बनती हुई. सो इट इज वर्चुअल एंड यू कैन सी इट इज इरेक्ट, एरो ऊपर है, सीधा है, मैग्निफाइड है एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर. हाँ सीम इज बनाई तो आई है, देखो ये वाला ही है, ये वाला. हाँ वो मैंने बनाया था, मैंने रब कर दिया वहां. So these are all the six cases of image formation by concave mirror. साथ ही uses भी कर लेते हैं concave mirror के. बताओ कहाँ use होता है concave mirror? Shaving mirror, makeup mirror, dentist mirror, जहाँ पे हमें magnified image चाहिए वहाँ. सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेस, टेलीस्कोप में यूज होती है टेलीस्कोप, ये सब मैग्नीफाइंग ग्लासेस, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, टेलीस्कोप, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेस, डेंटिस्ट मिरर. मतलब वो मिरर आपके टूथ पे, अगर टूथ पे वो डाले तो मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगी. अगर उन्होंने मैग्नीफाइड इमेज देखनी टूथ की तो वो कंकेव करेंगे. कौन? कन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस, लेंस से मैग्नीफाइड. Yes, write the uses of concave mirror in telescope. Telescopes में use होता है, कई telescopes में जो बहुत अच्छी image produce करती हैं उनमें. Then solar cooker, solar water heater, solar furnace, headlights of vehicles, dentist mirror, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, जहां पे हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए. लुकिंग मिरर नहीं, लुकिंग मिरर इज प्लेन. हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज हमें मैग्नीफाइड नजर आए, हमें सेम साइज का फेस देखना है उसमें. ठीक है, वो कॉन्वेक्स हो विजिलेंस के लिए, सिक्योरिटी मिरर. ठीक है, यूजेस ऑफ कंकेव मिरर यू हैव रिटन. चलो अब हम केसेस कर रहे हैं, सिर्फ दो ही हैं कॉन्वेक्स मिरर के. देर आर ओनली टू केसेस. एक मिनट, देखो लास्ट वीक क्लास नहीं लगी ना आपकी, फिर उनकी आप पीछे थे, कवर अप नहीं करना साथ में. एक केस बन जाएगा, बना लो एक, बना लो बस. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. तो इसमें इसके दो ही केसेस हैं. पहला आप ऑलरेडी बना चुके, वही वाला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वही फोकस वाला. ओनली टू केसेस आर देयर. जितनी मर्जी रेज बना लो पैरेलल, ऐसे लगेगा फोकस में से आ रही है, फोकस पे इमेज बन रही है. सो दे अपीयर टू कम आउट ऑफ फोकस, अपीयर टू मीट एट फोकस, दैट मींस वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेजेस फॉर्म, डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस. सो एट फोकस अगेन वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड. दूसरा जहां मर्जी रख दो, एक ही टाइप की इमेज बनेगी. ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है.
ये आपने पैरेलली इधर गई, ऐसे लगा फोकस में से आ रही हूँ, तो इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड एट फोकस, सो इट इज वर्चुअल। हाँ ये वही फोकस वाला ही डायग्राम है। आपकी टर्न बाद में आएगी जाने के लिए, इसलिए कंप्लीट करके ही उठना है आपने। कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ कह दिया, मैंने कह दिया ना, ये कंप्लीट करके जाना कोई नहीं उठेगा। बैठ जाओ, नहीं, बैठ जाओ, यही बैठो। ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी हमने रख दिया इसको। मेरे साथ साथ बनाओ। वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू कम आउट ऑफ फोकस। एक बनाओ पहले, एक रे फोकस में से आपकी लग रही है, क्योंकि मिरर यही खत्म हो जाता है, इसके बाद वाला सारा पोर्शन डॉटेड होना चाहिए। सेकेंड रे आप सीधा सी में से ले जाइए, सी में से रिट्रेस करेगी ये पाथ, ये बाद वाला पोर्शन डॉटेड बनाओगे आप, क्योंकि मिरर यहीं तक है, ये यहां दोनों एरो बनाओगे, और ये जहां से कट करेगी हेयर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज विल बी हॉन। यहां पहली रे को जहां कट किया, और इमेज भी डॉटेड बनानी है, वर्चुअल सॉलिड नहीं बनानी, मुझे मिस्टेक ना निकालनी पड़े कॉपी में। दूसरी सी में से, सीधी सी में से रिट्रेस करेगी पाथ, दोनों एरो बनाने कंपल्सरी है, और पर यहां तक मिरर है, इसलिए इसके बाद वाला पोर्शन डॉटेड बनाना है, राइट। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये नहीं बताएंगे कहाँ पे, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी थोड़ी बहुत इसकी भी चेंज होगी, सो वी वोंट स्पेसिफाई द लोकेशन। इज दैट क्लियर? अब एक मिनट, उठेगा नहीं कोई अभी।